दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से बहुत बुरी खबर आई है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों, हाल ही में घोषणा हुई थी कि 80,000 पदों पर जल्द ही रेलवे में जॉब निकलेगी, लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों के सपनों के ऊपर अब पानी फेर चुका है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देख लेते पूरी जानकारी इस वीडियो में। आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी एक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको रेलवे SSC बैंक की तैयारी कराई जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाएंगे। वहां पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक महीने पहले घोषणा की थी कि रेलवे में सीनियर शिक्षण इंजीनियर के 80,000 पदों पर जल्द भर्ती कराई जाएगी, लेकिन अब ये नई अपडेट आई है जिससे लाखों अभ्यर्थियों के सपनों के ऊपर पानी फिर चुका है। रेलवे में अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की डायरेक्ट 4,600 ग्रेड पे पर भर्ती नहीं होगी। इन पदों को अब 100% पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। टेक्निकल सुपरवाइजर कैटेगरी में अब सिर्फ जूनियर इंजीनियरों की सीधी भर्ती होगी। SSE के पदों पर होने वाली भर्तियों को JEE में मर्ज कर दिया जाएगा और संबंधित आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब एक वर्ष बाद इसकी समीक्षा भी होगी। दरअसल रेलवे यूनियन ने इस मामले को उठाया था। उनका कहना था कि डायरेक्ट 4,600 ग्रेड पे के पदों पर SSE की भर्ती होने से उनकी पूरी रेल सेवा इसी ग्रेड पर रह जाती है और उन्हें पदोन्नति का कोई मौका नहीं मिलता है। और इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। अब वह डायरेक्ट SSE के पदों पर भर्ती नहीं करेगा, बल्कि प्रमोशन से ये पद भरे जाएंगे और SSE के पद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एवं टेली कम्युनिकेशन के संगठन में आते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैंडिडेट यानी जो रेलवे के एम्प्लॉय है उनका ही अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर वही बन पाएंगे। जो नए अभ्यर्थी है, जो बेरोजगार युवा है, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी भर्ती ही नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।